अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑफ़ द कफ़। और ऑफ़ द कफ़ पे आज कुछ तरह हमने सीरियस बातें भी करनी हैं और कुछ तरह नॉन सीरियस भी बातें करनी हैं, क्योंकि अदनान कुछ तरह नॉन सीरियस बातों के मूड में। मैं कभी नॉन सीरियस बात कभी की मैंने आप लोगों से? आप ये गलत मुझ पे वो इल्ज़ाम है, ये आपको ये अवार्ड्स जो है वो नॉन सीरियस नहीं लग रहे कुछ? वो तो आई एम वेरी सीरियस अबाउट देम बिकॉज़ आई एम अपसेट दैट वी डिडंट गेट एन अवार्ड। हाँ, आई मीन ऑलमोस्ट एवरीबॉडी एंड द डॉग कुड गेट इट। आई मीन ऑल द डॉग्स। मैंने ये नहीं कहा, बात हो रही है 23 मार्च को जो पाकिस्तान के सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स दिए जाते हैं इस मुल्क के उन लोगों को, उन शख्सियात को जिन्होंने अपनी फील्ड में या मुल्क के लिए कुछ खिदमत अंजाम दी हों और वो ऐसी हों जिन पे तमाम लोगों का इत्तफाक हो कि वाकई इससे हमारे मुल्क में कोई फर्क पड़ा है, पॉजिटिव फर्क। तो किन लोगों ने फर्क डाला है? अच्छा, वो तो किन लोगों में जो फर्क है, तो वो ओपिनियन का है। इसमें अवार्ड की सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है कुछ ये समझ में नहीं आया। और अक्सर दूसरे भी आप अवार्ड सेरेमनीज देखते हैं ना, जर्नलिज्म अवार्ड होते हैं, फिल्म अवार्ड होते हैं, उसमें एक ज्यूरी होती है जिसका बताया जाता है कि इन लोगों ने सिलेक्शन किया। कौन जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशनर? मुझे तो लगता है यहाँ पे सिर्फ ज्यूरी नहीं लगती, एग्जीक्यूशन नहीं है जी यहाँ पे। एग्जीक्यूशन हुई है ना, एग्जीक्यूशन जो होनी थी वो एग्जीक्यूशन हो चुकी हुई है। ये वो जो हैं जो एग्जीक्यूटर्स हैं, इंप्लीमेंटेशन है, ये इंप्लीमेंटेटर्स हु हैव एग्जीक्यूटेड। अच्छा, ये यू मिक्सिंग द मेटाफोर्स ओवर हियर। यस, तो असल में मसला सारा ये है कि बहुत से नामवर नाम है, बहुत लोग हैं ऐसे वाकई जिनका बहुत काम है, लेकिन किसी चीज का एक खास कोई वक्त होता है एक्नॉलेज करने का जी। और आप वो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को मिक्स नहीं करते हैं जब आप कोई कंपैरेटिव चीज कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये फ्रूट चार्ट क्या चीज़ नहीं, फ्रूट चार्ट बन गई ना यहाँ पे। अब आप देखिए कि इसमें हजम होती है, ये इसके लिए चूरन चाहिए हजम करने के लिए, ठीक है ना, वो लाना पड़ेगा। इसमें आप देखिए कि चले बहुत वो मैं वो साइंस और मतलब काम तो उनको मैं छोड़ फजूल बातों को छोड़े, नहीं वो फजूल बातें नहीं है, अच्छे काम वालों की बात। सायरा काज़मी, ठीक है, इस मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम है, टेलीविजन के पायनियर्स में से हैं, बहुत बड़ी प्रोड्यूसर हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट रही हैं, फैंटास्टिक डायरेक्टर, बहुत ज्यादा उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। अवार्ड मिला उन्हें बहुत देर से मिला क्योंकि उनकी ये कॉन्ट्रीब्यूशन काफी अरसे से हैं। चलें, देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन उनकी सफ में आप और किसको खड़ा देख रहे हैं? मीरा को। तो मतलब इज्जत बख्शनी भी तो होती है, मतलब सारा मतलब जो अगर ना हो तो फिर बख्श दी जाए, वही समझे आप ये कहना चाह रहे हैं? नजर, नजर भी उतर जाती है ऐसा लोगों की, मतलब ये नजर बट्टू है सायरा काज़मी की, देखिए ना, ये आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग ये यू सी डोंट गेट इट रॉन्ग, व्हाट्स हैपनिंग इज के ये इतनी जबरदस्त लोग हैं, इनको एक सेकंड में नजर लग जाती है वैसे शरीफ लोगों की, तो इसका मतलब है कि उनके लिए एक नजर बट्टू चाहिए। नजर बट्टू चाहिए, वो नजर बट्टूज हैं ये जिनको अवार्ड दिए गए। अच्छा, तो फिर रहमान मलिक किसके नजर बट्टू हैं? वो अपने नहीं, वो रहमान बताइए उनकी क्या पब्लिक सर्विस है? रहमान मलिक तो अपने आप खुद नजर बट्टू है, उनको अपनी नजर उतारनी बहुत जरूरी है। याद है जब वो सलमान तासीर साहब का जब इंसिडेंट हुआ था, तो उसके बाद रहमान मलिक साहब फातिहा पढ़ रहे थे अपनी कमेटी में जी, सूरह अख़लास उन्होंने पढ़ने की कोशिश की थी, उस चीज को मेरे ख्याल में रहने ही दिया जाए। इन अवार्ड्स में ये अच्छी बात है कि देखें, आपने भी जिक्र किया सलमान तासीर शहीद का, बहुत अच्छी बात है कि एक्नॉलेज किया है, ये उस हुकूमत ने एक्नॉलेज किया है जिसकी पार्टी ने उनको अबैंडन किया था, जिस वजह से इतने दर्दनाक नतीजे हुए। लेकिन चले, आपने उनको एक्नॉलेज कर लिया कि उनके वाकई एक रोल था, लेकिन फिर जैसे हमने अभी बात की कि सायरा काज़मी और मीरा, फिर आप देखिए कि मोहम्मद कवी खान, वो भी एक पायनियर्स हैं, पायनियर्स में से हैं, ठीक है, टेलीविजन के। मैं यहाँ पे इसीलिए उस किस्म के नाम ले रही हूँ जिन पे लोगों को कुछ कमेंट करने के लिए, वरना जो साइंटिस्ट हैं, जो मेटलर्जिस्ट हैं, जो मतलब आप उन लोगों के नाम ले रही हैं जो हाउस होल्ड नेम्स हैं, व्हिच यू नो, मोहम्मद कवी खान की ही सफ में आपको खड़े नजर आते हैं नुमान एजाज। नुमान एजाज डिजाइनर, नुमान एजाज वो एक्टर जो हैं? बोथ। अच्छा अच्छा, जो डायरेक्टर भी हैं, डिजाइनर भी हैं। हाँ, बड़ी वर्सेटाइल पर्सनालिटी है। आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम नुमान एजाज़ कैपेबिलिटीज के, वो भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मुझे प्रॉब्लम यही एप्पल्स और ऑरेंजेस की है कि जब एक कोई सीढ़ी के इस रंग पे खड़ा हुआ है तो फिर जो इस अभी इस उसके लैडर के रंग पे है ना, उनको एक जगह नहीं जमा करना चाहिए, ये ज्यादती है। आप तो क्लास बना रही हैं फिर, है ना? क्यों, क्या क्लास नहीं है? कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, अच्छे और बहुत अच्छे में बहरहाल एक फर्क है। सो यू बेसिकली सेइंग कि जो सायरा काज़मी को या इनको अवार्ड जो दिया गया, वो इन लोगों को जो अवार्ड दिया तो उनकी अवार्ड की वैल्यू कम हो गई है इसकी? इज दैट व्हाट यू आर, समझ में नहीं आ रही ना कि अगर वो इस अवार्ड की मुस्तहिक थी
और इतना करने के बाद है तो उससे इतना कम करने के बाद लोग उसी अवार्ड के कैसे मुस्तहिक हो गए? ये तो अब आप देखिए और कुछ नाम जी, मुबशर लुकमान और कहिए ना, नहीं आपका ये जो उफ है ना यही सब कुछ कह गया है। मुबशर लुकमान तो जी वो हीरो आदमी है, है। उनको तो उनको मैं तो इंतजार करता हूँ रात को उनका शो का, और मैं देखता हूँ कपड़े क्या पहन के हैं, फिर अगले दिन वही जाता हूँ जहरम मार्केट, वही कपड़े उसी भाव में उठा। मतलब आप उनसे बहुत मुतासर हैं, चलो वो अलग बात है, लेकिन आप देखिए कि असलम अजहर साहब द बायवर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन पाकिस्तान, टेलीविजन के इतने बड़ी वो शख्सियत हैं, वो उसी सफ में ये लोग भी खड़े हुए हैं, कैसे? I mean, ये क्या क्राइटेरिया है? ये डिवैल्यू कर रहे हैं? डिवैल्यू नहीं कर रहे, डिवैल्यू क्या कर रहे हैं? वही नजर बट्टू वाली बात है आपकी, नजर बट्टू के अलावा ये चीपनेस भी है। तो वो और मैं क्या कह रही हूँ, डिवैल्यूएशन ही ना आपकी। नॉट एनालाइज दिस पीपल जिनको अवार्ड मिले हैं, रहमान मलिक, शर्मिला फारूकी, अच्छा उनकी पब्लिक सर्विस क्या है? वो बहुत पब्लिक सर्विस, वो आप आते हैं आपको इस बात की, पब्लिक की सर्विस नहीं है वो, एक खास एक इंडिविजुअल की भी नहीं है, इंडिविजुअल की भी नहीं है। देखें वो इंडिविजुअल का मैं नहीं कह रही, वो एक पोस्ट है जिसको वो सर्विस कर रही है, उस पोस्ट के हर काम को डिफेंड करना उनकी मैंडेट है, जो वो करती हैं बहुत अच्छा करती हैं, बहुत अच्छा करती हैं जी। बट माय पॉइंट इज कि उनके उस ये काम करने से इस मुल्क की किस्मत में क्या बेहतरी आई? खैर मुल्क की किस्मत में बेहतरी नहीं है, बट लोगों की किस्मत में कुछ बेहतरी आई है उनके काम। कौन लोग? वही जिनको डिफेंड किया जा रहा है, जिनको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। अच्छा फहमीदा मिर्जा बताइए मुझे, फहमीदा मिर्जा की क्या कंट्रीब्यूशन है सिवाय इसके कि शी इज अ फीमेल स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट एंड शी इज अ बैड स्पीकर? यू मीन स्पीकर स्पीकर या बोलने वाली स्पीकर? जो आप जो सुनते हैं वो जो सुनते हैं, बट यस, लेकिन यू सी आप बात कर रही थी ना, मैं व्हाट कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग के ये नजर बट्टू के अलावा जो कॉम में मसला यहाँ नजर आ रहा है ना, वो ये है कि एलिमेंट ऑफ चीपनेस, लुक एट दिस पीपल, आपको हर इंसान में एक कहते ना उर्दू का लगता है शोदापन, नहीं हर एक कमाते हैं ना, मैंने आपसे कहा कि कुछ, वो कुछ नाम ऐसे हैं जिनको हम छुएंगे भी नहीं यहाँ पे, उनको नहीं उनकी बात कर रहा मैं जनरली, जो आप मोटे मोटे नाम जो जो पॉलिटिकल अवार्डीज जिनको हम कह सकते हैं एक तरह से, तो ये अपने अपनों में बांटी गई है यहाँ पे, तो बेसिकली चीपनेस है जो फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये आ रही है, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट्स रिफ्लेक्टिंग ऑन दीज अवार्ड्स। लेकिन उसमें फिर यही बात है कि ये एक मौका है, ये एक ऑनर्स लिस्ट होती है जिसको लोग इंतजार करते हैं, जिसको देखते हैं, क्योंकि उनको भी जाहिर है पता होता है कि किस 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 क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इस मुल्क में, और फिर जब वो इस किस्म के नाम देखते हैं तो फिर वो क्या सोचते हैं इन अवार्ड्स के बारे में, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता अपने मुल्क के जो कुछ क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस हैं या कुछ क्रेडिबल चीज़ें हैं हम उनको बिल्कुल उस पर जर्ब लगाते चले जा रहे हैं, और मुझे तो लगता है कि इन अवार्ड्स को इस तरीके से देने में ये हम इनको भी एक तरह से डिवैल्यू कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में कोई काम की चीज़ नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर तमाम लोग मुत्तफिक हो सकें, बिल्कुल, क्योंकि इसके ऊपर इस लिस्ट के ऊपर तमाम लोगों का मुत्तफिक होना नामुमकिन नामुमकिन है। और आप ये भी जानते हैं कि इससे कुछ साल पहले भी जो अवार्ड थे तो उसमें बारिंग अ फ्यू ज्यादातर लोग जो है मुत्तफिक होते थे, यहाँ पे बारिंग अ फ्यू हर एक कॉन्ट्रोवर्शियल है, हर एक कॉन्ट्रोवर्शियल, तो अब हम वहां से यहाँ तक शिफ्ट कर गए हैं, तो कुछ तो चीजें छोड़ दें हमारे मुल्क में जिनको हम एक थोड़ा सा उनका तकद्दस या उनकी एक अच्छा देखिए निशाने इम्तियाज वाज गिवन टू ये फहमीदा मिर्जा एंड ये निशाने इम्तियाज की मतलब व्हाट वाज द एक्चुअल पर्पस ऑफ निशाने इम्तियाज? बस वो एक निशान है इम्तियाज, निशान का इम्तियाज का मतलब यही है कि आपको दूसरों से वो मुमताज करता है, दूसरों से अलग है, दूसरों से बेहतर है, और शायद वो साहब बहुत सही लिख रहे थे कल ट्विटर पे, किसी ने कहा था कि जो इम्तियाज साहब है ना उन्होंने बहुत सख्त एतराज किया है कि मेरा नाम इन लोगों के नाम के साथ क्यों इस्तेमाल हुआ है, निशान इम्तियाज क्यों कहा जा रहा है इसको, मैं तो शरीफ आदमी बेचारा। आई थिंक वी शुड चेंज द कैटेगरी द नेम्स कैटेगरी, एंड मेरा तो ख्याल है कि ये जब अब तो पता नहीं गवर्नमेंट कब तक रहती है, सुना है अगले 10 साल पे हुक्मरान रहेंगे तो इसका पीपीपी अवार्ड्स कर दें नाम थोड़ी और इसमें वैल्यू दे दें, निशाने पीपीपी, हाँ ये बात भी है, है ना, निशाने पीपल्स पार्टी, थोड़ा सा वेट आ जाएगा, तमगा जियाला, तमगा जियाला, तमगा चीपनेस, तमगा नजर बट्टूस। अच्छा अच्छा, आई थिंक यू गेटिंग कैरिड अवे, हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट, हमारे मुल्क के ये कुछ ऐसे ये होते हैं ना सिंबल्स होते हैं, हमारा जो कौमी परचम है वो हमारा सिंबल है, हमारी पहचान है, हमारा कौमी तराना हमारी पहचान है,
इसी तरीके से ये जो ऑनर्स रिस्ट है, ये भी हमारी एक पहचान होती है कि हमारे मुल्क में चाहे जैसे भी हालात हों, ये वो लोग हैं जो कि बता रहे हैं कि पाकिस्तानी क्या है, किस चीज़ के बने हुए हैं और इनमें क्या पोटेंशियल है, और ये वो रोल मॉडल्स को दिया जाता है जो बाकी आने वालों को इंस्पायर करें। आप बहुत फ्रीली और फ्रैंकली स्पीक फॉर चेंज का फोरम आपके लिए हाजिर है, प्लीज़ बताइए कि आप इनमें से किस किस से इंस्पायर होते हैं, हम भी आपकी राय ज़रूर जानना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। नहीं, थैंक यू जी।